संविधान विरोधी कानून बनाते हैं। ये देश की दलाली की भारत के प्रधानमंत्री ने। रेलवे बेच दिया, भारतीय जिसके आगे लगाए, चाहे भारतीय पेट्रोल हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा हो, सारे उद्योग इसने देश के हमारे बेच दिए। इसने कर्जे में देश डुबा दिया है, सोना तक भी गिरवी रखा है भैया देश का। केवल अंबानी अडानी फल फूल रहे हैं हमारे देश में। पूरी दुनिया के उद्योगपति आज घाटे में है, केवल भारत के दो उद्योगपति अंबानी अडानी जो मेरे देश को लूट रहे हैं, ठीक है, वो केवल प्लस में है। दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री, हमने केवल धर्म के आधार पर गुमराह होके चुना है। इसने राम के नाम का नाम लेके इस देश के हिंदुओं को गुमराह किया है। आज हमारी मातृभूमि छीनने का प्रयास किया, ये पूरा हिंदू ही खड़ा है। और आज ये दो कौड़ी का आदमी हम किसानों को कहता है आतंकवादी। अरे आतंकवादी तेरे संसद में है, तू आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। आतंकवादी तेरे संसद में है, तू आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। आतंकवादी तेरे संसद में है, तू आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। ऐसा है, सरकार हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को समझ नहीं रही है, क्योंकि जो भारत में आज वर्तमान सरकार है ये हमेशा से आंदोलनों के खिलाफ रहे हैं। जब महात्मा गांधी आंदोलन किया करते थे ये खिलाफत किया करते थे संघ के लोग, आज संघ सरकार चला रहा है। इंदिरा गांधी जी बहुत महान थी जिन्होंने अमरजेंसी घोषित कर दी थी। आज देश में अमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित अमरजेंसी। संविधान विरोधी सरकार है, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को कुचल रही है। ऐसे कानून बनाते हैं जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आते, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता वो कानून नहीं होता। संविधान विरोधी कानून बनाते हैं। ये देश की दलाली की भारत के प्रधानमंत्री ने। रेलवे बेच दिया, भारतीय जिसके आगे लगाए, चाहे भारतीय पेट्रोल हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा हो, सारे उद्योग इसने देश के हमारे बेच दिए। रेलवे इसकी आत्मा से जुड़ी थी, अपनी आत्मा बेच दी। ये देश की दलाली कर रहा है। दुर्भाग्य कि आज़ाद भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो देश का दलाल निकला। ये देश के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, हमारे देश में सभी आंकड़े हमें मिलना बंद हो गए हैं। आज जो भी आंकड़ा आता है उसे हम विश्वास नहीं करते। आई समझ में? सभी अधिकार मानव, एक मिनट, इसके वही बता रहा हूँ ना कि लोन देने का आंकड़ा, मनमोहन सिंह जी का आंकड़ा तो सही है, लेकिन हाँ, इसने कर्जे में देश डुबा दिया है, सोना तक भी गिरवी रखा है भैया देश का। केवल अंबानी अडानी फल फूल रहे हैं हमारे देश में। पूरी दुनिया के उद्योगपति आज घाटे में है, केवल भारत के दो उद्योगपति अंबानी अडानी जो मेरे देश को लूट रहे हैं, ठीक है, वो केवल प्लस में है। देश की दलाली की है नरेंद्र मोदी ने। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री, हमने केवल धर्म के आधार पर गुमराह होके चुना है। इसने राम के नाम का नाम लेके इस देश के हिंदुओं को गुमराह किया है। आज हमारी मातृभूमि छीनने का प्रयास किया, ये पूरा हिंदू ही खड़ा है। और आज ये दो कौड़ी का आदमी हम किसानों को कहता है आतंकवादी। अरे आतंकवादी तेरे संसद में है, तू आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। हम आतंकवादी नहीं है। तड़ी पार तेरा गृह मंत्री है जिसने उद्योगपति लूटे, जिसने बेटियों के साथ बलात्कार करवाए। ये अभी अभी बनारस में बाल्मीकि समाज की बेटी को अधिकारियों से जलवाया। ये भगवा पहने हुए, ये संत है, ये संत है। ये हमसे कहता है किसान खेत में, तो संत क्या संसद में और विधानसभा में बैठते हैं? ये दो कौड़ी के, ये ढोंगी रावण हमें धर्म के आधार पर गुमराह करके हमारा देश लूटा, हमारे बच्चों की आज़ादी को छीना। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आज भारत को किन परिस्थितियों में ला दिया, आज देश देख रहा वही आक्रोश आज सड़कों पे है। ये नकली मजदूरों को पकड़ के लाए थे, कह रहे थे हमारे किसान आए हैं। अरे इन्होंने ऐसे ही जितने संविधान विरोधी बिल बनाए उन बिलों को ऐसे ही इन्होंने देश के सामने गुमराह किया। आज देश का किसान समझ गया कि इस देश में किसी को भी बदनाम करने के लिए ये ही षड्यंत्र करते हैं। जो देश में पाकिस्तान के झंडे, जो देश में अफगानिस्तान के झंडे, यही संघ के लोग लहराते हैं। आप किसान नकली किसान लाए, आज ये गरीब समझ गए, आज किसान समझ गया। ये मजदूर भाड़े पे 400 रुपए वाले मजदूर दारू के पौए लेके लाए थे, मजदूर समझ गया किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाग गए, भाग गए। अब कहाँ है, कहाँ है जे खड़े हैं किसान? आओ आओ जे खड़े हैं किसान। हाँ जी बताओ कौन चाचा? ये बेकाक है, राम के नाम पे हमारी वोट ले गया। और ये कहा वह किसान का जो भी कहा, इन्हें वादे बहुत किए, पूरा नहीं किया। और ये बेकाक दोबारा बन गया, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं किया, झूठा है। राम मंदिर से ही चलेगा हर, अरे राम मंदिर, राम मंदिर से ही चल जाएगा काम, राम मंदिर से काम चल जाएगा और राम मंदिर का जीवन मारा। राम मंदिर
राम मंदिर से ही काम चल रहा है, किसान के कर रहा है। हाँ हाँ, इसी हिसाब से हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगता है। किसान धरती में धसा जा, किसान इधर ठोकोगा। हमारे 33 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। इधर उधर की चाय बकरी की बातें करता फिरता, कभी हमारे शहीद किसानों के बारे में चर्चा करी है? हमारे शहीद किसानों के लिए आज तक मुआवजा तय किया? पिछली बार आए थे 18 में, तब हमारे 6 किसान यहाँ पे शहीद हो गए। अपने आप को गरीब कहता है और गरीबों पे गोली चलवाता है, गरीबों का नरसंहार कर रहा है। आज इसने हमारा देश बेचा, हमारे नौजवान कितनी आत्महत्या कर चुके हैं, कितने इसने उद्योगपति, 3 लाख उद्योगपति इसने अपने अंबानी अडानी के मारे हमारे खत्म कर दिए, और 3 लाख उद्योगपतियों की वजह से 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, बेरोजगार आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहे। इसने लॉकडाउन किया, हमसे फीसा मांग रहा है हमसे, और उद्योगपतियों को देश बेच दिया 3.5 लाख करोड़ हमारा कर्जा उद्योगपतियों का जो बैंक पे था माफ कर दिया। अच्छा। इस बाबा रामदेव का 2200 करोड़ माफ कर दिया। हमसे बिजली के बिल लूट रहा है, है? आज के बात करने वाले हैं। आज पेट्रोल और पेट्रोल की कीमत जो तय करेगा अडानी है, हमारे ये घाटे में क्यों नहीं है? कहीं से इनकी कमी होती है, 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा के अपनी पूर्ति कर लेते हैं। खाट खा गया, 5 किलो खाट खा गया, 10 धड़ी का कट्टा हुआ था उसका खा गया, 13 दिन में पेमेंट किया था, 13 महीने भी पेमेंट नहीं हो रहा। तो चौकीदार है, हम नहीं हटेगा। उड़िया खाद का उड़िया खाद डाल के दारू बना के गुजरात में ये मोदी जी ने बेचवा रहे थे, और गोधरा कांड इन्हीं का करवाया हुआ है, समझे कि नहीं? और दुनिया में पूरे भारत में 20 में ये मोदी जी ने पूरे फैला के रख दिए यहाँ, सबको मुंह में चाबी लगवा दिए, कहते हैं कि सब कोई चुप रहो, अकेला मैं बोलूंगा। ये कैसे होगा, अकेला वो कैसे बोलेगा? सबको मुंह में चाबी लगवा दिया, जो भैंस के चाबी लगता था, भैंस के बच्चे का चाबी लगता था, ये आदमियों को मुंह में चाबी लगवा दिया। मन की बात करता और अभी कह रहे थे ना कि भैंस का कोई दूध लेने आएगा तो भैंस थोड़ी हो जाएगी। एक बात बता भैया, जब भैंस कोई खरीद के देगा और चारा भी वही देगा तो वो दूध के पैसे थोड़ी देगा। जब उद्योगपति हमारे कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, खाद बो देंगे, बीज बो देंगे, तो हमारी खेत में जरूरत क्या रहेगी? हम तो नौकर बन गए हैं, हमें उल्लू बना रहा है क्या? भैंस का दूध दूने से क्या भैंस हमारी हो जाती है? अरे जब भैंस का खर्चा दे रहा है अंबानी अडानी, चारा वो दे रहा है, तो दूध के पैसे नहीं देगा, वो दूध फ्री में ले जाएगा। तो हम इतने बेवकूफ नहीं है, ऐसे सौदे नहीं करते। ये दलाल ने देश बेचा तो ये क्या समझता हमारी जमीन बेच देगा? जमीन के पीछे ये किसान आज यहाँ खड़ा है, खड़ा रहेगा। अपना हिंसा पूर्वक से तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारे आंदोलन को हिंसा पूर्वक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, अपने संघ के लोगों को बेचकर हमारे आंदोलन को हिंसा पूर्वक तरीके में बदलना चाहती है। इनका इतिहास है, ये इतिहास। मोदी जी, बहुत होगी आपकी मन की बात, 7 साल से मन की बात ही सुन रहे हैं, और अब तो हर महीने कान पक गए किसानों के मन की बात सुनते सुनते। लेकिन आज जो किसान आया है, दूर दराज हर प्रदेश से जो किसान से आया है, जो किसान इकट्ठा हुआ है, अपनी मन की बात कहने आया है। आप किसान के मन की बात सुनिए, आपके मन की बात तो बहुत होगी, ठीक है? और इतने खोखले वादे किए, आज तक मुझे एक बता दो। लोग कहते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, अरे साहब मोदी जी ये कह रहे हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं। अरे क्या भरोसा, आप इनके मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2014 के मैनिफेस्टो, पहली कलम चलेगी किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज तक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ इनसे, आज तक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। जो पहली कलम चलने वाली थी, किसान का कर्जा माफ करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को, हर किसान के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। आप मुझे एक तीन में से तीन, ये तो मोटे मोटे बताए, पता नहीं कितने वादे किए इन्होंने, बताइए। अरे सरकारी कितनी यूनिवर्सिटी खोली इन्होंने, किसान का बच्चा ना पढ़ पाए, ठीक है, किसान का बच्चा ना पढ़ पाए। आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों का जो फंडिंग है, जो उसको काटते जा रहे हैं। मोदी सरकार में, मोदी की सरकार में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर लोहिया की हत्या हो गई। उनकी हत्या होने के बाद हमारे देश का न्यायपालिका कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ लोहिया की हत्या हुई, आप देखो न्यायपालिका पे कितनी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की जमानत बिल्कुल संविधान विरोधी तरीके से हुई। आज एक डर है न्यायपालिका में, डरता है न्यायपालिका आज गृह मंत्री से। रात में 11:30 बजे SS मुरलीधर का ट्रांसफर
भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा के ऊपर FIR का आदेश होने के बाद 2 घंटे में न्यायाधीश का ट्रांसफर, ये चीफ जस्टिस ऑफ लोया की हत्या होने के बाद जो डर न्यायपालिका में आया है, उस डर के कारण आज देश की ये बदहाली है। आज न्याय तंत्र पे जनता को भरोसा नहीं है। ये न्याय तंत्र टॉफी देके किस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को मजबूर कर रहा है, ये चिंता का विषय है। आज़ादी पर हमला है, संविधान पर हमला है, देश के नागरिक को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मोदी जी, आइए, सोच रहे होंगे कि इस ठंड के मौसम में एक किसान चला जाएगा, ये किसान नहीं जाने वाला है। किसान तो इस बार ये ठान के आया है, 2 दिन हो, 2 महीने हो, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, इस बार किसान ये ठान के आया, इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी जी, आपसे आर पार की कुश्ती होगी और ये कुश्ती करके जाएगा। सारे बिल, तीनों कानून जो काले कानून हैं, जब तक वापस नहीं लेते तब तक कोई बात नहीं। ये जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, यहाँ से कोई भी आदमी जाने वाला नहीं। और मेजोरिटी बढ़ेगी, ये और ज़्यादा हमारे धैर्य का परिचय लेते हो तो हम अपने पशु पक्षी भी यहीं जाओगे। हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या किया है सिवाय इन्होंने हिंदू मुस्लिम जात पात, मतलब अगर ये इतने छवि के लोग हैं, जाति धर्म में बांट रहे हैं, अगर ये इतने अच्छे छवि के लोग हैं BJP वाले, तो अपनी छवि पे चुनाव लड़े ना। फिर हिंदू और मुस्लिम ये धर्म के नाम पे, जात पात पे ये चुनाव क्यों लड़ते हैं? नहीं, ये कांग्रेस के ऊपर सारा वो रखते हैं, कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस लाई थी, खालिस्तानी बता रहे हैं किसी ने, कांग्रेस लाई थी, तो कांग्रेस ने लागू क्यों नहीं किए? लागू आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने ये कहा था कि आप हिंदू मुस्लिम कराए, हिंदू मुस्लिम कराया कांग्रेस ने, क्या कराया था क्या कहीं इस तरीके से? कांग्रेस ने जितने भी दिन, ये कहते हैं 70 साल, खेल वो भी 70 साल, 70 साल क्या हुए? अभी आजाद हुए तो 70 साल भी नहीं हुए, अभी तो हिंदुस्तान को 70 साल भी नहीं हुए, अपने 13 साल, अपने 13 साल क्यों नहीं गिनते? ये अपने अपने क्यों नहीं गिनने? तो मकसद ये है कि अगर ये साफ छवि के लोग हैं, प्रताप सिंह भी, पहली बात तो जो भी आ रहे हैं ये हर जगह पैसे वाली फर्म है, ये इनके पास पैसे की कमी नहीं है, कहीं पे भी विधायक खरीद लें, कहीं पे EVM खरीद लें। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप इतने बढ़िया लोग हैं, आप विकास की राजनीति पे काम करें, विकास की राजनीति में वोट मांगें और EVM पे चुनाव ना कराएं, ये ब्लड पेपर से चुनाव कराएं, जहाँ से EVM बनी है और देशों में उस पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे उस पर? हमारे हिंदुस्तान में क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इनसे डरा हुआ, हाई कोर्ट इनसे डरा हुआ, क्यों डरा हुआ है? चुनाव आयोग इनसे डरा हुआ, हर आदमी इनसे डरा हुआ है। इसलिए मैं इनसे दरखास्त करूंगा BJP वालों से, अगर आपके अंदर आपकी छवि बहुत बढ़िया है तो आप निष्पक्ष चुनाव लड़ें और जात पात पर चुनाव ना लड़ें। आपको आपकी आपको आपकी आपकी औकात की ये पता चल जाएगी कि हाँ कितने हम धनमान हैं या कितने हम छवि वाले हैं। अभी 70 क्या हमारे किसान कितने यहाँ पे शहीद हो चुके हैं? 33। अभी अडानी या अंबानी के पोती के साल वो जन्मदिन में तो ये पहुँच गए, उनके हाल चाल लेने पहुँच गए। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी सांत्वनाओं, उनकी आत्माओं को शांति दी उन्होंने? कहीं बोला किसी चैनल में बोला? बताओ क्या भाई, ठंड में मरे हैं, कैसे मरे हैं? मैं उनका दुख प्रकट करता हूँ, कराया इन्होंने दुख प्रकट, तो क्यों क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्हें सिवाय उद्योगपति नजर आ रहे हैं, वो भी अडानी और अंबानी, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे। या तानाशाही चलना, यो किंग जोंग हो रहा है, मोदी भी और यो अमित शाह भी, किंग जोंग हो रहा है भाई। इस किंग जोंग ने तोड़ने के लिए बैठे हैं और तोड़ के जाएंगे, मार तो आखिर उद्देश्य।